नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम कलश में पानी और उसके ऊपर नारियल रखते हैं, और साथ ही साथ इससे जुड़ी हम पौराणिक महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो इस बार नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू है और 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। और नवरात्रों में लोग अपने आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, भजन, पूजा, योग, साधना आदि रखते हैं। और इसी मौके पर जहां एक तरफ मंदिरों में माता की पूजा अर्चना और जगरातों का दौर शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ माँ के भक्त अपने घरों में कलश स्थापित कर पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक उनका आवाहन करते हैं। और हिंदू धर्म में कलश पूजन का अपना एक विशेष महत्व है, और धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। और विशेष मांगलिक कार्यों के शुभारंभ पर, जैसे गृह प्रवेश के समय, व्यापार के नए खातों के आरंभ के समय, नवरात्रि या फिर नववर्ष के समय, दीपावली के पूजन के समय आदि के अवसर पर कलश स्थापना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का महत्व क्या होता है। तो कलश एक विशेष आकार का बर्तन होता है जिसका धर चौड़ा और थोड़ा गोल और मुंह थोड़ा तंग होता है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास होता है, और कंठ में महेश तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं, और कलश के मध्य भाग में देवी मातृ शक्तियां निवास करती हैं। और इसीलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। और शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है, और इसी कारण से कलश में पानी, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग कर पूजा के लिए रखा जाता है। और इससे न केवल घर में सुख समृद्धि आती है बल्कि सकारात्मकता ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो हम बात कर लेते हैं कि हम कलश में जल क्यों रखते हैं। तो पवित्रता का प्रतीक कलश में जल, अनाज इत्यादि रखा जाता है, और पवित्र जल इस बात का प्रतीक है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही स्वच्छ, निर्मल और शीतल बना रहे, और हमारा मन शुद्धता, तरलता और संवेदना एवं सरलता से भरा रहे। इसमें क्रोध, लोभ, मोह माया, ईर्ष्या और घृणा आदि की कोई जगह नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि नारियल क्यों रखा जाता है कलश के ऊपर। तो सामान्य तौर पर देखा जाता है कलश स्थापना के वक्त कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, और शास्त्रों के अनुसार इससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और कलश के ऊपर धरे नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। और ध्यान रहे कि नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधव की तरफ रहे, और नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हम क्यों कलश पर दुर्वा, कुश या फिर सुपारी या पुष्प रखते हैं। तो कलश में डाले जाने वाले दुर्वा, कुश, सुपारी और पुष्प इस भावना को दर्शाते हैं कि हमारी योग्यता में दुर्वा के समान जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल खुशहाल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारी शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।